हम तो ऐसे बतते हैं जो बाकी पक्का तो मुझे भी नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मैं फिर से एक नए वीडियो पे। आज मैं हूँ सोनल धाम मरड़ा। तो मैं आज आपको मरड़ा की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। मंदिर के बाहर से कुछ ऐसा व्यू आता है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाकर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर आते ही पहले आपको यहाँ पर अगर आप चाय पीना चाहें तो चाय भी है, और यहाँ पे जो आप मकान देख रहे हैं वहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे पीने के पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और साथों साथ यहाँ पर ठंडे पानी के लिए फ्रिज भी लगा हुआ है। सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं। और ये है माता जी का मंदिर। तो अभी मैं मंदिर की अंदर जाता हूँ और आपको मैं वहाँ जाके माँ चौनल के दर्शन कराता हूँ। जैसे ही आप मंदिर पे जाएंगे, मैं पहले यहाँ पर एक हवन कुंड बना हुआ है, ये आप सामने ही देख सकते हैं। हवन कुंड, आपको हवन कुंड दिखा देता हूँ। देखिए हवन कुंड है, और यहाँ से खूबसूरत मंदिर के दर्शन तो हो ही रहे हैं। अब मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ, और अंदर जाके मैं आपको माँ के दर्शन करवाता हूँ। और ये सभी भक्त देखिए यहाँ पर माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं ना, तो मैं आपको आपके घर बैठे ही आपको माँ के दर्शन करवाता हूँ। देखिए कितने खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं, और इस तरफ भी देखिए माँ के दर्शन हो रहे हैं। इस तरफ भी देखिए आप, मंदिर के ठीक बगल में सामने जो आप देख रहे हैं और सोनल माँ का समाधि स्थान है, तो उसके भी दर्शन मैं आपको घर बैठे ही आपको करवाता हूँ। अभी मैं आपको सोनल माँ के दर्शन करवाऊँगा, और वो भी घर बैठे। आप घर बैठे ही माँ के दर्शन कर सकते हैं, और कितने खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। हमने सोनल माँ के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर मंदिर की दूसरी साइड बनु माँ की समाधि का स्थान है वो दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जो मंदिर के ठीक पीछे ही गौशाला आई हुई है, ये जो आप सारी देख रहे हैं वो गौशाला है। और यहाँ से ही मैं आपको अभी बनु माँ की समाधि का स्थान है, ये जो मंदिर है वही बनु माँ की समाधि का स्थान है, तो वहाँ जाकर मैं आपको ठीक तरह से दिखाता हूँ। लीजिए आपको मैं बनु माँ के भी घर बैठे ही दर्शन करवा रहा हूँ। ये सामने ही बनु माँ का समाधि स्थान है, तो आप यहाँ पर बनु माँ के दर्शन अच्छी तरह से कर लीजिए। ये जो आप रूम देख रहे हैं वहाँ पर बनु माँ रहते थे, और यहाँ से ये मंदिर का व्यू देखिए, बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ से अभी कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक गौशाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ की गौशाला है। गौशाला के अंदर गाय तो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, मगर भैंसे भी ज़्यादा यहाँ पर है, और यहाँ पे बड़े बड़े पंछी है। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इन पंछियों का नाम क्या है। हम तो ऐसे बतते हैं जो बाकी पक्का तो मुझे भी नहीं। उस तरफ भी भैंसे हैं, इस तरफ बस दो चार गायें हैं, और ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पर भैंसे ही दिखाई दे रही है। अब मैं आ चुका हूँ मंदिर की बाहर की साइड। यहाँ से आप अगर बच्चों के लिए खिलौने लेना चाहे, या फिर मंदिर आप बनु माँ के या फिर सोनल माँ के फ़ोटो ले जाना चाहे, तो यहाँ पर बाहर दुकानें बहुत सारी बनी हुई है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे माँ के फ़ोटो है, तो आप यहाँ से घर ले जा सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में मरड़ा की इन्फॉर्मेशन दी, सारी दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।